हाय, देखो आज जो हम क्वेश्चन आंसर आपके सामने लाए हैं ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, जीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको वही क्वेश्चंस करवाएंगे जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, कुछ इसमें पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो हम वो क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। जब हम आपको ये पीडीएफ देंगे तो आप वाले क्वेश्चन भी देख सकते हैं, सारे के सारे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन इसमें लिखे हुए हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस वीडियो के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पेड और फ्री नोट्स के बारे में पता चलता रहे। अगर आपको हमारे नोट्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट से कोई क्वेश्चंस आपके में नहीं आने हैं, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करेंगे जो कि जेसीएम या फिर इंडस्ट्रियल से पूछे गए हैं। ठीक है, हम जीएस के वही क्वेश्चन आपको कराएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके मतलब का है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा ऐसा 9 ग्रह में से एक ऐसा ग्रह है जिसको अभी हमारे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया है, अब उसको एक प्लैनेट नहीं माना जाता है। तो सभी को पता है प्लूटो, प्लैनेट नंबर 9 जो प्लूटो था, अब वो हमारे 9 ग्रह का हिस्सा नहीं है नासा के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में से इनमें से कौन सा साइलेंट फीचर नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से इनमें से कौन सा साइलेंट फीचर नहीं है। ठीक है, तो देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ड्यूअल, जो दोहरी नागरिकता है वो नहीं चलती है। ठीक है, ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है ड्यूअल सिटीजनशिप को, तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा है। ठीक है, और हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सी एक फंडामेंटल राइट नहीं है। तो देखो, एजुकेशन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज़ नहीं है, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा नॉन कन्वेंशनल है। तो सभी को पता है कि नेचुरल गैस होती है, न्यूक्लियर पावर होता है, कोल होता है, लेकिन जियो थर्मल एनर्जी जो होता है वो नॉन कन्वेंशनल में आ जाता है, बाकी सब कन्वेंशनल में आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो इनमें से राज्यसभा में चेयरपर्सन कौन होता है। तो मैं आपको बता दूं, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, हमने जो आपको नोट्स दिए हैं आपने उसमें सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी बहुत ही आसानी से, तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपके चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, हम आपको वही क्वेश्चन करेंगे, हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखो ये 2018 से पहले का क्वेश्चन है, तो हामिद अंसारी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्कर्वी क्यों होता है, स्कर्वी किस वजह, कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होता है। विटामिन के मैंने आपको बहुत सारे पीडीएफ दे रखे हैं, आपने पढ़ रखे होंगे, विटामिन सी की वजह से जो है स्कर्वी होता है, ये बात सभी को पता होगी मेरे ख्याल से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड है, हर बार पूछा जाता है। तो देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जेसीएम से, ये वाले क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे क्योंकि ये आपके टीचिंग एग्जाम में नहीं आएंगे। यू स्किप करते हुए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्योंकि ऊपर वाले सारे क्वेश्चन जो थे वो आपके इंडस्ट्रियल एक्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, लेकिन ये वाला आपके जो है टीचिंग एग्जाम में आ सकता है। अंडर डैश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 साल से नीचे के जो है बच्चे को आप काम पे नहीं रख सकते हैं, फैक्ट्री में या फिर किसी भी माइन में, ये कौन से आर्टिकल में होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है आर्टिकल नंबर 24। ठीक है, आर्टिकल नंबर 24 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फिर से फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके में नहीं आने हैं। देखिए, फैक्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपके में नहीं आने, हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 आपके एग्जाम में आएगा, उसमें लिखा है इन विच ईयर 5-ईयर प्लान वॉज इम्प्लीमेंटेड, पंचवर्षीय योजना कब पहली शुरू हुई थी, पहला पंचवर्षीय योजना कौन से साल में शुरू हुई थी, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर है 1951। मैंने 5-ईयर प्लान पर पूरा एक वीडियो बना रखा है जो कि फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, पेड क्लासेस में तो है ही, मैंने फ्री क्लास में भी अवेलेबल करा रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट कोल रिजर्व, किसके पास कोयला सबसे ज़्यादा है, बताओ भैया। सभी को पता है झारखंड में झरिया और बोकारो है मेरे ख्याल से, वहाँ पे झारखंड में है सबसे ज़्यादा कोल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ REC। तो देखो, REC का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, REC का फुल फॉर्म है रूरल
इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, REC का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आता है। जो EVS और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वही मैं आपको कराऊंगा। ट्रेड एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ओजोन इज सिचुएटेड इन विच लेयर, आपको पता है बहुत सारी लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हमने आपको PDF में ये सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं। तो ओजोन लेयर किस में होती है, मैं आपको बताऊं, डी ऑप्शन सही है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है जो कि हार्मफुल यूवी रेस को आने से रोकती है धरती के ऊपर, ठीक है, फिल्टर कर देती है एक तरह से। सचर कमिटी इज रिलेटेड टू, सचर कमिटी जो है हमारी वो किस चीज़ से रिलेट करती है, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखिए इसका सही आंसर होगा सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी में जो भी उनके इश्यूज चल रहे हैं एजुकेशनल, इकोनॉमिक या सोशल, उसको रिलेट करती है सचर कमिटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो फिर से यहाँ पे फैक्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको हम हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 32, थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग जो कि आपको भी पता है इस समय कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जो भी ये वीडियो आज की डेट में देख रहे हैं 29 जुलाई को, जो ये वीडियो देख रहे हैं 2023 को, तो उन्हें पता है कि इस समय हीट वेव्स चल रही हैं, ठीक है, आपके भी शहर में होगी और AC में भी पसीना आ रहा है, तो ये कौन सी गैस की वजह से हो रहा है आपको ये बताना है। बहुत आसान सा आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ रही है। एयर क्या है आपको बताना है, एयर कंपाउंड है, एलिमेंट है, इलेक्ट्रोलाइट है या मिक्सचर है। एयर क्या होती है, हवा क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं वायु एक्चुअली में कुछ नहीं है, एक मिक्सचर है ये, ठीक है, ये एक मिक्सचर है, ठीक है, केमिकल में अगर इसको कंपाउंड में बोलेंगे तो ये एक मिक्सचर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, व्हाइट रेवोल्यूशन जो है वो डेयरी प्रोडक्ट है, जी हाँ बिल्कुल है। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है एग्रीकल्चर के लिए है, बिल्कुल है। उसके बाद कहा जा रहा है ब्लू रेवोल्यूशन फिशरी के लिए है, बिल्कुल 100%। उसके बाद रेड रेवोल्यूशन जो है वो आपका मीट के लिए हो सकता है लेकिन वूल के लिए नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, करेक्टली मैच नहीं था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन भी आपका फैक्ट्री से रिलेटेड है इसलिए हम इस पर नहीं रुकेंगे। एलिसा टेस्ट क्यों होता है, एलिसा टेस्ट जब डॉक्टर लिखते हैं तो उन्हें क्या शक होता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, जी हाँ मैं आपको बता दूं एड्स की बीमारी अगर आपको डॉक्टर शक करते हैं या कोई भी ऐसा आपका टेस्ट कराना हो, कोई भी आपकी सर्जरी करानी हो, तो ये आपका टेस्ट ज़रूर लिखा जाता है, एड्स के लिए ये टेस्ट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क, मैंने नेशनल पार्क के ऊपर एक पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है, आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो तुरंत प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क अपने किस चीज़ के लिए यहाँ पे फेमस है, तो मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा था इस तरह से, फिर से वाला डायग्राम बना देता हूँ कि इस तरह से जो है वन हॉर्न डायनासोर्स जो होते हैं जिनके यहाँ पे एक सींग निकला होता है उसके लिए फेमस है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ वन हॉर्न डायनासोर एक सींग वाले डायनासोर्स के लिए, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अ कैंडिडेट टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा कितनी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम कितनी उम्र हो सकती है, मतलब मिनिमम कितनी उम्र हो सकती है, जी हाँ मिनिमम उम्र पूछी है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, तो मैं आपको बता दूं 30 साल की उम्र है, तो मतलब अब मैं राज्यसभा का मेंबर बन सकता हूं अगर आप लोगों ने मुझे वोट दिया तो, जो कि अभी तक हो नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, उस पर हम नहीं रुकेंगे, फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से है उस पर हम नहीं रुकेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल केमिकल एलिमेंट, ठीक है, और 65% जो केमिकल एलिमेंट है ह्यूमन बॉडी में, जो सबसे ज़्यादा केमिकल एलिमेंट है वो किस चीज़ से है ये पूछा जा रहा है। मैं आपको बता दूं ह्यूमन बॉडी में जो 65 है वो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है इंसान, 65% जो ह्यूमन बॉडी का प्रोपोर्शन है वो ऑक्सीजन का है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है रेनबो कैसे बनता है, रेनबो किस तरह से बनता है आपको ये बताना है, ठीक है। तो रेनबो बनता है रिफ्लेक्शन की वजह से, सभी को पता है रिफ्रैक्शन की वजह से बनता है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ऑन वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है। लोगों को लगता है कि रेनबो जो होता है वो सिर्फ आसमान में बन सकता है, ऐसा नहीं है, आप चाहें तो किसी भी जगह जहाँ पर सनलाइट आ रही है तो वहाँ पर आप पानी की खूब सारी ड्रॉपलेट्स ऐसे कर दोगे ना, तो वो अपने आप आपका बाथरूम हो उसके अंदर भी रेनबो बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द इनपुट यूज बाय एंटीना केबल और TV सेट, उसे हम क्या बोलते हैं, जो फ्रीक्वेंसी में इनपुट आता है तो उसको हम लोग कहते हैं RF, ठीक है, RF कहते हैं हम उसको,
क्वेश्चन हमसे कह रहा है द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग, सभी को पता होगा जिसने भी हमारे नोट्स पढ़े हैं, ये चीज तो हमने लिख के दी आपको, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा को अगर आप मिला देंगे ऑप्शन नंबर बी तो आपकी परमानेंट हार्डनेस हट जाएगी। द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का हार्डेस्ट फॉर्म क्या है, कुछ लोग इसको ग्रेफाइट पे टिक कर देते हैं लेकिन ग्रेफाइट सही आंसर नहीं है, सही आंसर आएगा यहाँ पे डायमंड, जो कि आयोग ने कई बार माना है, ठीक है, डायमंड इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लार्जेस्ट बिल्डिंग में बी सप्लाइड विद मिनिमम वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, देखो ये फिर से आपका पूछा गया क्वेश्चन है थोड़ा सा फिजिक्स वगैरह से, इंडस्ट्री वगैरह से, तो ये एग्जाम में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी किस चीज़ से होती है, एलपीजी में कौन कौन सी गैसेस होती हैं सबसे ज़्यादा, तो मैं आपको बता दूं एलपीजी में जो गैसेस होती हैं मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है, एमबीपी, इसका हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है एमबीपी अपने नोट्स में और वो आपने पढ़ लिए होंगे, तो इसका आंसर आपको पता होगा मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है ऑक्सीजन इन अवर ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्रोटीन, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो मैं आपको बता दूं हीमोग्लोबिन, सभी को पता है इसका आंसर, हीमोग्लोबिन आपका जितना अच्छा होगा उतनी आपके शरीर में ब्लड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगा बहुत अच्छे से, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ऐसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर केमिस्ट्री से पूछा गया, व्हाट वाज द एक्टिव मीडियम यूज्ड इन द फर्स्ट वर्किंग लेजर एवर कंस्ट्रक्टेड, पहली लेजर जिसमें यूज करा गया था, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है रूबी रॉड, ठीक है, सी इसका सही आंसर है रूबी रॉड। अगला क्वेश्चन देखिए, द 11th फाइव ईयर प्लान, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो किस चीज पे रिलेटेड थी, तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर होगा ईस्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, ईस्ट आपको पता है मणिपुर में इस समय क्या हो रहा है, ठीक है, तो ईस्ट के ऊपर 11th फाइव ईयर प्लान, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नीचे हमने आपको सारे के सारे यहाँ पे आंसर दे रखे हैं और जो क्वेश्चन हमने स्किप करें अगर आप वो भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, इस तरह के अगर आपको और सेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस तरह की और कौन कौन सी क्लासेस चाहिए, किस किस सब्जेक्ट पे चाहिए और आपको इस तरह की क्लासेस कितनी बेनिफिशियल लग रही हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।